अरे ना ना राजू, कबों कबों ऐसा लगता है ना जैसे मुट्ठी भी बंद नहीं हो रही अच्छे से। क्या होएगा? मुंह से सूख रहा हो। क्या दिक्कत है हमें बताओ तो सही। ऐसा ही बस कमजोरी सी लग रही है। झूला से जैसे आदमी नीचे आते हुए ना एकदम से हल्को हल्को लगता है, जैसे कौन ऊंची बिल्डिंग से कूद गए। तो माई वो जो हल्को हल्को से लग रहा हो बाग को झंझनाहट में हम तब्दील कर दें। बीपी चेक करा लें का? अगर तुम बीपी चेक करवाई हो तो फिर हम कौन सी दवाएं? हम बन जाए तुम्हारी बीपी हाई वाली। मूड ही ठीक ना ऐसा सर। तो फिर हम मूड बनाए दें कै? अरे ओ दादा, ब्रेक मारो ब्रेक। रे तुम तो बिल्कुल है राजधानी एक्सप्रेस बनी भाई हो। हमें लग रहा कानपुर की सड़क में होती तो लखनऊ पहुंच जाती। लखनऊ की तो पता नहीं, लेकिन हम कहूँ ऐसा जाना चाहते कि तुम हमें दिखो भी ना। क्या बात है, कौन सी बात की नाराजगी है? नाराजगी बस तुम्हारा मुंह नोचो है हमने। गनीमत मनाओ आई बस समझ में, तुम्हें शर्म ना आई? हमारे पापा को उनके मुंह पे तुमने मना कर दो। वाह बहुत बहुत अच्छा करो तुमने। तुम्हारी अम्मा से मैं जो उम्मीद आती लेकिन तुमसे ना आती। कैसे तुम हमारे पति हो? हमने सोची हमारी तो इज्जत हुई ना तुम्हारे नज़र में, लेकिन तुम्हारी नज़र में तुमने सब बुड़गोवर कर दो। हमारे पापा को मुँह पे कहो हम कछु नहीं कर पाई हैं, अपनी गरीबी तुमने दिखाई दी उन्हें। तुम्हें पता है तुम्हें तुम कौन हो? कौन है? एक नंबर के काइया लफंटर मक्कार। अरे ठीक है समझ गए, हमारी तारीफ तुम बाद में। अब तुम पहले बैठ जाओ ठंडे दिमाग से बात सुन लो। बैठ जाओ सुनो, तुमने जितनी भड़ास हती सुबह निकाल ली, बहुत बढ़िया। अब तुम जो जान होनी चाहिए हमने ऐसा करूँ तो क्या करूँ? हमें पता है तुम्हारी अम्मा ने कहो ये। अम्मा नहीं करूँ, हमने जो सब भी करो है तुम्हारी लाने करो। अच्छा निकाय नहीं बताओ कहे? देखो तुम्हें याद है हम एक रात अभी आई थी भीगत भाई बिल्कुल पानी से, हमारे हाथ में एक फूल है तू तो मैं कल लग रहा हूँ वैसे ही गुलाब गुलाब कमल को फूल नॉर्मल फूल है तू का। अरे वो बहुत पहुंचे भाई बाबा ने याद हो तू हमें। बाबा को फूल है तू में बहुत जड़ी बूटी बहुत ताकत आती। बाने हमसे कही थी कि हप्पू चेंग अगर जो फूल को रस तुमने दूध में मिला के गटक लाओ तो सारे 10 साल पीछे चले जाओगे, मतलब 10 साल पहले वाली जवानी आ जाएगी और तुम होला जाओगी। हाँ 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 अब तुम सही समझी, लेकिन फिर कहा भाव हमारे पास फूल, अचानक तुम्हारे पूज्य पिताजी को 10 लाख की पड़ गई जरूरत। हमारे दिमाग में बात आई काश जैसे पहले रेशम पला मरो जा रहा हो तो अपनी जवानी के लाने कहे बाको वापस चाहिए थी, वो भी कम बहुत बड़ी चिरांद है ना वो। हमें कहो कि ठीक है हमें क्या करने, हमने सोची 10 लाख रुपये होते देंगे रेशम पला खुश हो जाए 10 लाख हमें मिल जाए, मैं सॉरी 10 लाख तो तुम्हारे बाप को देंगे रेशम पला को फूल देंगे। लेकिन फिर तो माई हमें ऐसी बात पता चली कि हम क्या बताएं। तुम और बिमलेश का चर्चा कर रही थी, तुम्हारे अपने अपने पति की गाथा बेडरूम की गाथा गा रही थी हैं। तब हमारे दिमाग में आई अरे हमने गई चूल्हे में गौ रेशम पला और चूल्हे में गए तुम्हारे बाप, जब फूल की तो सारो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें है, हमारे बाप तो तुम्हारे ऐसे तैसे जैसे तैसे मान जाएंगे। तो हम गए रेशम पला के पास, हमने मुंह पे मारा 10 लाख रुपये, हमने कहा नहीं है फूल हमारे पास। अब वो और बहुत बड़ो वालू निकलो वो कह रहे हो फूल तो हम ले कर रहेंगे और 10 लाख भी ना देंगे नहीं तो नौकरी से सस्पेंड कर। अब बताओ हम क्या करें, जवानी बचाएं कि अपनी नौकरी बचाएं? जवानी बचाए ले जब औरत हमें चलू से पसंद है हमें पता है। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन एक बात बताओ अगर नौकरी ना रहेगी तो ये नौनौ ठगिए कैसे पलेंगे, इनकी फीस तो भरने। तुम ठेला चला लियो? हम ठेला चला लें लेकिन बेडरूम में गदर कटती रहे। अरे रज्जू जो सिर्फ फूल नहीं है 10वें की निशानी है।
हाथी घोड़ा कुत्ता बिलैया सबको छुपा लियो, गलत फहमी ना पालो। आई बस समझ में, ऐसी बारह ठैया हो गई हैं तुमने लायक है। यार मजाक कर रहे, हम तो यही बात से खोसे। अरे बिना दसवें के मतलब कछु हो ही नहीं सकते का। हम तो जो बात से खोसे कि अब पहली बार माहौल बनेंगे, 10 साल पुरानो हो तू, 10 साल पुरानी रज्जू, अब तो हमें लग रहा हम गदर काट देंगे। एक काम कर लू, जाको हम तोड़ ले रहे और तुम हमें दूध में मिला के और माहौल बना दियो हम। आओ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड। तुम्हें पता वो सारू रेशम पला है ना, वो फूल गिलाने बहुत मरो जा रहो, तो क्या करेंगे जो बालू अपने पास और जो लगा के हम गुलदस्ता समेत को टिका देंगे, वो यही में खुश हो जाएगा। कैसी कही? बकर बकर ना करो, कोई देख ले बासे पहले निकल चलो जल्दी। चिपक चिपक अपुआ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार, तुम कदम नहीं जाओ। सब्र को फल मीठो होता है जलेओ। सुनो, इतनो मीठो मीठो ना करोगे सारू, हमें शुगर हो जाए। तुम तो हो हमारी शुगर फ्री, तुम अपनी हाथन से पिला दो मजा आ जाएगा। फिर जो मूड बनेगा ना तुम करोगी टन टना टन 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 टारा। हाँ सही में, जल्दी। ये ऐसी तृप्ती आज तो हमें लग रहा हूँ खतरनाक मूड बनेगो। सुनो, नहीं अभी नहीं बोल हो, लेकिन हमें लग रहा हूँ आज आज मजा आ जाएगा हैं। आज ऐसा लग रहा हूँ फुर्ती सी आ रही है शरीर में, आज चलेगो जनरेटर। जल्दी जल्दी पियो। हो 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 माहौल बन गओ। कहाँ रह गए इंतजार, कब से हम इंतजार कर रहे हैं। अरे दादा, अरे ऐसे ऐसे कर रही हो तुम, तो ऐसे देख रहे जैसे दूध को गिलास तुमने कभी देखो ही नहीं। ना ना ना, देखो तो कई बार है, लेकिन आज की बात अलग है ना। आज तो दरोगा आप उसमें कैरेटा देखो। वो तो वक्त ही बताइए कि कौन कौन पे भारी पड़ता है। अरे यार हमें जब भारी हल्की की बहस में नहीं पड़ना, तुम तो दूध को गिलास दियो। आज मामला होगा गट 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 गट। भाव तरंगे सी उठी 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 तो आती है, थोड़ी सी शांत हो गई। मजाक कर रही ना ना, मामला बन रहो, मामला बन रहो। बनो का वो ये इंतजार कर रहे। भाओ भाओ, और ढीलो ढीलो हो गो मामला। लग रहा फूल की एक्सपायरी डेट निकल गई थी का। जो कैसो है? नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। हम हैं आपके दुलारे। नाम तो बता सारी। यही हमारा नाम है। जो कैसो नाम है? वेल, नाम में क्या रखा है, रखा तो उस खबर में है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मा गर्म न्यूज ये है कि लखनऊ पुलिस ने इस शख्स को जंगल से कैद कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। गौर से देखिए शख्स को। जी हाँ, ये शख्स, इसका नाम है बाबा बजूका। हमें तो जो ही मिलो तो बाबा बजूका, जो लोगों को ठगता है और पैसे गरीबों में बांट देता है। घुइया, वो अपने आप को ही बांट देता था।
जी हाँ, बाबा बजूका की ठगी से पूरा कानपुर लखनऊ परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि पुलिस महकमे ने उसे मोस्ट वांटेड करार दे दिया था, लेकिन पुलिस महकमे के कुछ नामाकूल, नामुराद, नाकामयाब, नाकाम ऑफिसर इसकी चपेट में आ गए। उन अफसरों ने अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए बाबा बजूका से फूल पत्तियां, औषधियां, जड़ी बूटियां, ये सब लेना उन्होंने शुरू कर दिया। इस झांसे में कि इन सब का सेवन करने के बाद उनकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी और वो जवान लगने लगेंगे। लेकिन घुड़िया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बजूका झूठे साबित हुए। जी हाँ, फिलहाल बाबा बजूका लखनऊ पुलिस की हिरासत में है, उनकी स्पेशल खातिरदारी की जा रही है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सुरक्षित रहें, ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, बी हैप्पी। सतर्क रहें, हम जब बाबा की गुर्दा छील देंगे। जी पकड़ो, रे गुंजा पकड़ो, अब टुनटुना बजाओ, लाइट बंद कर दियो, हम जा रहे हैं सोन। अरे जो खाली ना भाऊ, बंद कर दे अपना मुंह तुम।